गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही कर आगामी 48 कलाक सुधी भारे थी अति भारे वरसाद थई शके छे। 16 जुलाई सुधी गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद वरसी शके छे। गुजरात ने अनेक भाग में 10-15 इंच सुधी वरसाद थई शके छे। मध्य और दक्षिण गुजरात में 5-10 इंच सुधी वरसाद वरसी शके छे। सांज सुधी में वलसाड़, नवसारी, नर्मदा, तापी में भारे वरसाद थई शके। आणंद, खेड़ा, अमदावाद में भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद वरसी शके छे। 12-13 जुलाईए सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में भारे वरसाद थशे। 3 दिवस सुधी गुजरात में भारे वरसाद की स्थिति गंभीर बनी शके छे। भारे वरसाद थी नदी नाळा में भारे पूर आववानी पण संभावना छे। आगामी 48 कलाक पण हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। भारे थी अति भारे वरसाद सार्वत्रिक थई शके छे। गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद 16 जुलाई सुधी रहेशे तेवुं हवामान विभाग द्वारा जानकारी आपवामां आवी छे। अनेक भागों में 10-15 इंच सुधी वरसाद थई शके छे। एसोसिएट एडिटर देवशी बारड़ाज विषय पर बातचीत करवा जोड़ाई चुक्या छे। देवशी, समग्र गुजरात में जे रीते वरसाद थई रह्यो छे, सार्वत्रिक वरसाद थई रह्यो छे, भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही हवामान विभागे आगामी दिवसों माटे पण करी छे। जी तोरण, गुजरात माटे आगामी 48 कलाक खूब महत्वना मानवामां आवी रह्या छे, कारण के गुजरातना लगभग मोटा भागना विस्तारनी अंदर, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने खास करीने सौराष्ट्रना विस्तारनी अंदर लगभग 16 तारीख सुधी एटले के 16 जुलाई सुधी भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही छे। केटली जगह 5 इंच वरसाद पड़े तो केटली जगह 15 इंच सुधी वरसाद पड़े एवा प्रकारना संजोगो अत्यारे देखाई रह्या छे। हवामान प्रकारनी हवामान विभागनी आगाही मुजब अत्यारथी लई अने 16 तारीखनी सांज सुधी लगभग गुजरातना मोटा भागना विस्तारनी अंदर भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही छे। अत्यारनी वात करवामां तो अत्यारे दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरातनी अंदर भारे वरसाद चाली रह्यो छे। केटलाक भागनी अंदर अति भारे वरसाद चाली रह्यो छे। हूँ तमने विंडीना माध्यमथी बताईश के केवी रीते आगामी लगभग 15-16 तारीख सुधी वरसादनी संभावना छे, वरसाद क्यां क्यां पड़ी शके छे, केटलो वरसाद पड़ी शके एम छे। अत्यारे तमे जोई रह्या छो के अत्यारना समयमां एटले के गुजरातनी अंदर आजे जे 11 तारीख छे, 11 तारीखे क्या कई जगह दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात जे त्यां वरसाद चाली रह्यो छे। दक्षिण गुजरात की अंदर खास कर राजपीपळा और भरूचनो जे भाग जे छे अथवा तो छोटाउदेपुर जे भरूच छोटाउदेपुर व्यारानो जे भाग छे त्यां अत्यारे वरसाद भारे वरसाद की स्थिति छे। आज सांज सुधी में त्यां भारे वरसाद पड़ी शके एम छे। आ साथे साथे नड़ियाद अने साथे साथे आणंद जिल्लो छे अने अमदावादनो रीजनल एरिया छे एटले के ज्यां जिल्लो एरिया छे त्यां वरसाद पड़ी शके, भावनगरनी अंदर वरसाद पड़ी शके एम छे। अने साथे साथे उत्तर गुजरातना केटलाक भागनी अंदर पण वरसाद पड़वानी पूरी संभावना सेवाई रही छे। आज सांज सुधीनी वात करवामां आवे तो अलग बीजा जग्याओनी वात करवामां आवे तो राजपीपळा एटले के आजनो दिवस जे छे ए मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरात माटे खास महत्वनो एटला माटे के त्यां लगभग केटली जग्याए 5-10 इंच सुधी वरसाद पड़ी शके एम छे। 12 तारीखनी वात करवामां आवे तो 12 तारीखे लगभग गुजरातना दक्षिण गुजरात में फरीवार 12 तारीखे दक्षिण गुजरात में फरीवार वरसाद अति भारे वरसाद की संभावना सेवाई रही है। अहीं सूरत वलसाडनो भाग जे छे त्यां पण वरसाद पड़शे अने साथे साथे दक्षिण गुजरात जे छे ए त्यां रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे। दक्षिण गुजरात की अंदर 3 दिवस सुधी भारे थी अति भारे वरसाद पड़ी शकवानी पूरी संभावना छे। त्यारबाद 13 तारीखनी वात करवामां तो 13 तारीख उत्तर गुजरात अने लगभग मध्य गुजरात अने उत्तर गुजरातनो भाग जे छे एटले के अमदावाद जे छे, मेहसाणा छे, पाटण छे, पालनपुर छे अने खास करीने साबरकांठा अने बनासकांठानो जे भाग छे त्यां अने सुरेन्द्रनगरनी अंदर भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे। सौराष्ट्रनी वात करवामां तो सौराष्ट्रनी अंदर गीर सोमनाथ छे, ऊना छे, साथे साथे पोरबंदर अने अमरेली राजूलानी अंदर पण भारे थी अति भारे वरसादनी संभावना 13 तारीखे सेवाई रही छे। 14 तारीखनो दिवस छे, એ 14 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ પડશે। સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓની અંદર ભારે વરસાદ પડશે અને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ પડશે। આ સમય દરમિયાન લગભગ ગુજરાત 14 તારીખ છે ગુજરાત માટે ખૂબ મહત્વની એટલા માટે છે કે આ દિવસે લગભગ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે અને 15 અને 16 તારીખની આસપાસ કચ્છ અને જે સૌરાષ્ટ્રનો તટીય પ્રદેશ છે ત્યાં લગભગ ભારે પવન સાથે વરસાદ ફૂંકાવાની પૂરી સંભાવના છે। આમ લગભગ માનવામાં આવે કે 16 તારીખ સુધી
એટલે કે આજથી પાંચ દિવસ સુધી સતત ગુજરાતની અંદર વરસાદ, ભારે અને અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. કેટલી જગ્યાએ નદીઓની અંદર ભારે પૂર આવે એવી પણ સંભાવના છે, કેટલી જગ્યાએ આપ ફાટે એવી સંભાવના, એટલે કે ત્યાં 10 થી 12 ઇંચ વરસાદ પણ પડી શકે એમ છે, 15 ઇંચ સુધી પણ વરસાદ પડી શકે એમ છે, એવી આગાહી અત્યારે દેખાઈ રહી છે. જી સોર દેવજી, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી માટે. તો ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 48 કલાક સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓને ઘમરોળી શકે છે. 16 જુલાઈ સુધી આ આગાહી કરવામાં આવી છે.